द एंड्रोमेडा स्ट्रेन सीरीज की शुरुआत एक कपल से होती है जो अपने पर्सनल मोमेंट में मग्न ही होते कि अचानक से कुछ तो सीधे उनके करीब क्रैश कर जाता है। करीब जाने पर वो एक सैटेलाइट निकलता है। उसी गर्लफ्रेंड उसे वार्न करती है कि वो रेडियो एक्टिव हो सकता है, पर बॉयफ्रेंड सुनने से रहा और वो उसे अपने साथ ही ले जाता है। उसके ठीक बाद मिलिट्री सैटेलाइट को ट्रेस करते करते सैटेलाइट जगह पर ना मिलना उनकी खोज उन्हें नजदीक रिमोटली लोकेटेड पीडमोंट टाउन ले आती है। पर टाउन में प्रवेश करने पर उनके एकदम होश उड़ जाते हैं क्योंकि चारों तरफ लाशें बिछी होती हैं। फिर तभी एक बुजुर्ग अचानक से ही उनके कॉन्वॉय के सामने आ जाता है और इससे पहले कि वो उसकी मदद भी करे उनमें से एक को कुछ भयंकर होने लगता है और अंत में दूसरे की भी तुरंत दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके ठीक बाद डायरेक्टर ऑफ द एनएसए बीटर को जनरल मैनचेक से उसी इन्फेक्शियस डिजीज आउटब्रेक के बारे में अपडेट करते हैं और परिस्थिति गंभीर होने के कारण टाउन को भी क्वारंटीन कर दिया गया। इस इन्फेक्शन के ओरिजिन का पता लगाने के लिए एज पर वाइल्ड फायर प्रोटोकॉल मैनचेक तुरंत अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्टोन एक्सपर्ट इन बायो इंजीनियरिंग उनकी करीबी दोस्त डॉक्टर एंजेला एंड एक्स बायोलॉजिस्ट आरबी मेजर विलियम वायरोलॉजिस्ट इन इन्फेक्शियस डिजीजेस डॉक्टर चाओ अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट और डॉक्टर चार्लिन अ पैथोलॉजिस्ट को एकजुट करते हैं। वो टीम को तुरंत सिचुएशन के गंभीरता के बारे में अपडेट करते हैं और कैसे उन्हें लैब में बने रहकर इस बायो एजेंट कोड नेम एंड्रोमेडा के ओरिजिन का तोड़ पता करना होगा। पर मैनचेक ने एक बड़ी जानकारी उनसे छिपा रखी होती है कि वो सैटेलाइट दरअसल प्रोजेक्ट स्कूप से बिलोंग करता है जिसके बारे में सिर्फ वो खुद और एनएसए मिस्टर बीटर को पता है। इनफैक्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता है। अब आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है हमें आगे पता चलेगा। पर टीम मीटिंग के दौरान ही डॉक्टर स्टोन को भनक लग जाती है कि दाल में कुछ तो काला है वरना मिलिट्री का नासा के ऑपरेशन में क्या काम, आखिर नासा उस सैटेलाइट के साथ कर क्या रही थी कि वो क्रैश हो गया। पर मैनचेक कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं पर ये सीक्रेट ऑपरेशन लोकल न्यूज रिपोर्टर नैश को उसकी खबरी से पता चल जाती है जो उसके लिए एक बड़ी न्यूज हो सकती है इसलिए तुरंत इसकी जांच में लग जाता है। पर मैनचेक को उसके खबरी का पता चल जाता है इससे पहले कि प्रोजेक्ट स्कूप की जानकारी मीडिया में लीक हो। वो कर्नल फेरस को नैश पर नजर बनाए रखने का ऑर्डर देते हैं पर एनएसए के मिस्टर बीटर एक कदम आगे कर्नल फेरस बीटर के ऑर्डर पर नैश के खबरी को ट्रैक डाउन करके उसे वहीं असैसिनेट कर देते हैं और अब नैश पर भी नजर बनाए रखते हैं। यहां वाइल्ड फायर टीम सैटेलाइट को रिकवर करने के लिए लाशों से बिछे टाउन में प्रवेश करते हैं। दूर दूर तक सिर्फ लाशें, एक भी इंसान बचा हुआ नजर नहीं आता। उनकी हालत देख के ऐसा लगता है मानो वो बिना तड़प के ही वहीं ढेर हो गए। हैरानी की बात कि उन्हें बुरी तरह से जली हुई लाश और एक का तो सिर कटा हुआ मिलता है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता चलता है कि बायो एजेंट सिर्फ किसी की जान ही नहीं बल्कि लोगों को अपनी जान लेने पर भी मजबूर करता है। रूह कांपने वाली बात कि पीड़ित के खून भी धूल में बदल गए होते हैं। पर सबसे हैरानी वाली बात ये कि उन्हें पूरे टाउन में एक बच्ची सही सलामत मिलती है। वो लोग सैटेलाइट और बच्ची को लेकर निकल ही रहे होते हैं कि एक बुजुर्ग भी अब भी जिंदा मिलता है। यहाँ तक कि जानवर पर भी इस अननोन एंड्रोमेडा बायो एजेंट का असर नहीं होता। पर इससे पहले की घटना पैंडेमिक में बदले मैनचेक टाउन को न्यूक्लियर से डेटोनेट करने का तय करते हैं। यहाँ टीम अब सैटेलाइट और दोनों सर्वाइवर्स को लेकर एंड्रोमेडा बायो एजेंट पर अपनी रिसर्च कैरी आउट करने के लिए एक हाईली क्लासिफाइड लैब फैसिलिटी में चेक इन करते हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्लेंजिंग प्रोसीजर से इक्विप्ड है जहाँ से ना तो वायरस लीक या एस्केप कर सकता है। डॉक्टर स्टोन इस लैब के हेड सभी को अपडेट करते हैं कि यदि कोई इमरजेंसी इन्फेक्शन यहाँ घटी भी तो लैब के ठीक नीचे एक मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर सिचुएटेड है लैब के साथ लैब में मौजूद सभी इन्फेक्शन को वाइप आउट करने के लिए ताकि डेडली वायरस लीक ना कर सके जो एक बार एक्टिवेट होने पर उनके पास सिर्फ 15 मिनट होंगे और जिसे सिर्फ विलियम के पास की और फिंगरप्रिंट से डीएक्टिवेट किया जा सकता है। वहीं इससे पहले कि प्रेसिडेंट को मीडिया से पता चले सेक्रेटरी को तुरंत प्रोजेक्ट स्कूप के बारे में उन्हें रिवील करना पड़ता है और अब प्रेसिडेंट को इन्फेक्शन को रोकने के लिए पीडमैन टाउन को न्यूक करने का ऑर्डर देना होगा। अब प्रेसिडेंट बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं क्योंकि इलेक्शन पहले ही सिर पर ऑलरेडी डीप ओशन में मिनरल्स माइनिंग ऑपरेशन को अप्रूवल देने के बाद एनवायरमेंटलिस्ट और ऑपोजिशन उन पर प्रेशर बना रहे हैं और अब यदि उन्होंने टाउन को न्यूक किया तो उन पर उंगली उठाए जाएंगे कि वो न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं जबकि वो खुद दूसरे देशों के सरकार पर न्यूक्लियर टेस्ट को रोकने का प्रेशर बना रहे हैं। यहाँ टीम सैटेलाइट के एग्जामिनेशन में लग जाते हैं। सबसे पहली बात वो नोटिस करते हैं कि एंड्रोमेडा जरूर सैटेलाइट के अंदर था वरना उसे छूते ही दोनों वहीं ढेर हो जाते हैं। एक और गौर करने वाली बात ये कोई कम्युनिकेशन या सर्वेलेंस सैटेलाइट नहीं बल्कि एक बायो कंटेनमेंट वेसल मालूम पड़ता है जिसे बायोलॉजिकल मटेरियल्स कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया हो। इसका मतलब यही निकलता है कि ये सैटेलाइट एक्सीडेंटली कंटेमिनेट नहीं हुआ और मैनचेक जरूर उनसे कुछ तो छिपा रहा है पर इसका पता करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है इसलिए वो अपने एग्जामिनेशन
में लग जाते हैं। टीम और वेसल से एक ब्लैक सब्सटेंस की भी खोज करते हैं, जिसे एनालाइज करने के बाद वो डिस्कवर करते हैं कि इसके मॉलिक्यूल्स की बनावट बकी बॉल्स की तरह है। दरअसल विज्ञान की भाषा में बकी बॉल्स वो केज लाइक मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है जो 20 हेक्सागॉन्स और 12 पेंटागॉन्स के कार्बन एटम से बनता है, जो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसका प्रयोग किसी भी मटेरियल को मजबूती देने के लिए किया जाता है, और ये खोजे गए अब तक के सबसे पहले नैनो पार्टिकल्स में से एक था। यहाँ ये एक कंटेनर शेल की तरह शायद एंड्रोमेडा बायो एजेंट को कैरी कर रहा था, जिसे सिर्फ एडवांस सिंथेटिक बायो नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से ही बनाया जा सकता है, जो टेक्नोलॉजी दरअसल इंसानों के लिए अब भी कई लाइट ईयर्स दूर है। यही शायद सैटेलाइट से टकराया था जिसके कारण वो क्रैश हो गया। अब एंड्रोमेडा का जानवरों पर सीरीज ऑफ टेस्ट परफॉर्म करने पर वो और भी अजीब खोज डिस्कवर करते हैं कि किसी के भी एंड्रोमेडा के कांटेक्ट में आने पर वो 10 सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाता, और खास करके एंड्रोमेडा बायो एजेंट का इन्फेक्शन मरे हुए लोगों से नहीं फैलता। ऐसा रेयर बायो एजेंट इंसान के इतिहास में ये पहला है। इससे सभी इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये जरूर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन से बिलोंग करता है, इसलिए इसका कोई डीएनए स्ट्रक्चर भी नहीं है, जो जल्दी अब म्यूटेट भी होने लगता है, इसलिए जो शुरुआत से जानवरों पर असर नहीं करता था अब जानवरों के थ्रू भी फैलने लगता है, और ऐसे ही करते करते करीब के इलाके में भी फैल जाता है। इसलिए एंड्रोमेडा के कंट्रोल में एक शेरिफ कैफे में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है और अंत में खुद की ही जान ले लेता है। वहीं आर टीम अपनी रिसर्च जारी करने के बाद वो और भी अलग बिहेवियर डिस्कवर करते हैं कि ये एक एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लंग्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करके खून को जमा देता है, जिससे इंसान की बिना ब्लड सप्लाई के तुरंत मौत हो जाती है, और यदि कोई ब्लड क्लॉट से बच भी गया तो एंड्रोमेडा उस पर हावी हो जाता है और अंत में वो खुद की ही जान ले लेता है। ये सब समझने के बाद अब डॉक्टर स्टोन को कैसे भी प्रोजेक्ट स्कूप के बारे में पता करना होगा, इसलिए वो सिक्योरिटी फायरवॉल से बचते हुए लैब के गार्ड के मदद से डॉक्टर स्टोन नैश को कॉन्टेक्ट करते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि आर्मी ने किसी कारण से क्वारंटीन एरिया को घेर रखा है, मानो वो कुछ बड़ा करने के विचार में है। और उसे इस बात का भी पता चलता है कि मैनचेक शायद बायो वेपन से रिलेटेड प्रोजेक्ट स्कूप में इन्वॉल्व था। ये सब समझने के बाद अब वो बिना समय गवाए वो सभी मैनचेक को कन्फ्रंट करते हैं। उनके पास भी अब और कोई चारा नहीं, इसलिए फाइनली उन्हें प्रोजेक्ट स्कूप के बारे में रिवील करना पड़ता है। दरअसल कुछ साल पहले नासा ने अपने सोलर सिस्टम में सिंगुलैरिटी ऑब्जर्व किया, यानी कि टाइम और स्पेस में डिस्टॉर्शन। उन्हें अचानक से एक टाइनी सोर्स से एक्सट्रीमली पावरफुल बर्स्ट ऑफ लाइट और एनर्जी ऑब्जर्व हुआ, ऑल्सो नोन एज वॉर्म होल। फिजिसिस्ट अभी तक थियराइज करते हैं कि एक वॉर्म होल एक पोर्टल की तरह भी काम कर सकता है एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में ट्रैवल करने के लिए। प्रोजेक्ट स्कूप का इरादा इसी फिनोमेना को एक्सप्लोर करने का था, एलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। पर सैटेलाइट के वॉर्म होल के करीब पहुंचते ही वॉर्म होल तुरंत क्लोज हो गया और सैटेलाइट भी अपना कंट्रोल खोकर सीधे क्रैश कर गया। इससे सभी इसी थ्योरी पर पहुंचते कि ये एलियन लाइफ ही हो सकता है, पर एक कंफ्यूजन अब भी है कि सिवाय उसके कंटेनर शेल जो एंड्रोमेडा बायोजन को कैरी कर रहा था, उसका मटेरियल दरअसल धरती पर पाया जा सकता है। ऑल्दो उसे बनाने की टेक्नोलॉजी अभी के समय से कई लाइट ईयर्स दूर है, पर इन सब ऑब्जर्वेशन के बाद प्रेसिडेंट और भी कंफ्यूज होने लगते हैं कि उन्हें टाउन को नूक करना चाहिए कि नहीं। पर इससे पहले कि एंड्रोमेडा और भी टाउन को अपने चपेट में ले ले, उन्हें मजबूरी में टाउन को नूक करने का ऑर्डर देना ही पड़ता है। हालांकि डॉक्टर स्टोन प्रेसिडेंट से और मदद की विनती करते हैं जब तक उनके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं आ जाता कि एंड्रोमेडा फैलता कैसे है, पर प्रेसिडेंट के पास अब उतना समय नहीं है क्योंकि अब उनका सबसे बुरा समय शुरू होने वाला है, क्योंकि यहाँ कुछ स्टेशन सोल्जर्स पर एक ईगल एंड्रोमेडा से इन्फेक्टेड रैट उनके करीब डाल देता है, जिससे सभी इन्फेक्ट होकर एंड्रोमेडा बायोजन के कंट्रोल में अब एक दूसरे की ही जान लेने लगते हैं। इसका मतलब ये भी कि अब डेड लिविंग बीइंग्स भी इन्फेक्शंस को कैरी कर सकते हैं। उसमें से एक दूसरे सोल्जर्स को कुचलते हुए अपनी कॉन्वॉय सीधे उसी मिलिट्री बेस ले जाकर आत्मघाती हमले को अंजाम देता है। नैश इस घटना को रिपोर्ट करने के लिए रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, पर वो सोल्जर्स द्वारा धर लिया जाता है। वहीं अब एयरक्राफ्ट ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने के लिए ऊंचाई भर ली होती है, पर यहां भाग्य से फाइनली एंड्रोमेडा का टेस्ट पब्लिश होता है और उन्हें पता चलता है कि एंड्रोमेडा अल्ट्रावायलेट लाइट के जलने पर पैदा हुए 100% कार्बन डाइऑक्साइड से उसका ग्रोथ और भी तेजी से बढ़ने लगता है। यानी कि न्यूक्लियर रेडिएशन से एंड्रोमेडा मरेगा नहीं, बल्कि वो एक्सपोनेंटली और भी तेजी से फैल जाएगा। इसलिए डॉक्टर स्टोन तुरंत प्रेसिडेंट को कॉन्टेक्ट करते हैं। पायलट ऑलमोस्ट बॉम्ब को गिरा ही दिया होता है कि एन मौके पर प्रेसिडेंट ने अटैक को रिटर्न ले लिया होता है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जब एयरक्राफ्ट लौट रहा होता है अचानक में ही पायलट एयरक्राफ्ट से संतुलन खोने लगती है, पायलट की सांस भी रुकने लगती है और अपने आप ही न्यूक्लियर मिसाइल भी आम हो जाता है। पायलट लाख कोशिश करती है इजेक्ट करने की, पर कुछ काम करता नजर नहीं आता और अब पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट
ग्रेविटी धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगता है, जिसके कारण मिसाइल एयरक्राफ्ट से अलग हो जाता है और अब एयरक्राफ्ट और मिसाइल सीधे जमीन की तरफ बढ़ने लगता है और इस मिनी सीरीज का एपिसोड 2 यही खत्म हो जाता है। अब यदि आपको ये सीरीज पसंद आई और अगर आपको इसका आगे का पार्ट देखना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि यकीन कीजिए इसका क्लाइमेक्स और भी होश उड़ाने वाला है। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों।